हेलो बच्चों बच्चों इस वीडियो में आपके असाइनमेंट डे 25 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जेई मेंस से है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 2019 जेई मेंस के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन है कि इफ द लाइन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 12 इज द टेंजेंट टू द इलिप्स, ये इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। एट द पॉइंट, ये पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स इच, मतलब एक हमारा इलिप्स दिया हुआ है और ये इलिप्स के एक पॉइंट पर ये लाइन है जो टेंजेंट है, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बताना है। अब हम टेंजेंट के बारे में क्या जानते हैं ये समझ लेते हैं। अब जैसे सपोज करो कि ये हमारा एक इलिप्स है, ठीक है, और ये आपका ये दो आपका फोकाई, ठीक है, ये आपका मेजर एक्सिस, ठीक है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट, और ये इसका सेंटर जो फोकाई के बीचों बीच होता है, ठीक है, मिड पॉइंट होता है, तो ये आपका मेजर एक्सिस, ये आपका माइनर एक्सिस, ये हमारा फोकाई F1 F2, ये आपका सेंटर। अच्छा, इस तरह का इक्वेशन का इस तरह का अगर है तो हमारा, देखो मान लो कि किसी पॉइंट पर, जैसे ये आपका पॉइंट है और यहाँ पर टेंजेंट, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से इसको ऐसे टच करके जाएगा ऐसे, और ये पॉइंट होगा, ये कोई आपका कोई, ये पॉइंट हमारा X1, Y1 होगा, ठीक है। और ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, X²(a²) + Y²(b²) = 1। यहाँ पर वर्टेक्स हमारा ए माइनस, ये देखो -a,0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +a,0, ये आपका ये सी और ये भी सी होगा, और ये आपका माइनर एक्सिस, मतलब ये 0, -b हो जाता है, और यहाँ पर ये मालूम ही है कि 0, +b होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा, ये आप देख रहे हो कि ये जो हमारा टेंजेंट है, इस टेंजेंट का इक्वेशन होता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है हमारा, टेंजेंट क्या होता है, X(x1)(a²) + Y(y1)(b²) = 1 होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम तो समझ लिए। अब देखो हमारा इलिप्स दिया हुआ है, यही इलिप्स है, तो इलिप्स क्या दिया हुआ है, तो हमारा इलिप्स जो दिया हुआ है वो है X²(a²) + Y²(b²) = 1, ये दिया हुआ है हमारा इलिप्स, ओके। अब इसका हमें टेंजेंट निकालना है, तो हम जानते हैं इसका, अगर टेंजेंट की बात करें तो होता है क्या, टेंजेंट, तो इसका टेंजेंट जो है ये इलिप्स का एट किस में पूछ रहा है, तो 3, -9/2। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, देखो X(x1)(a²) + Y(y1)(b²) = 1, इस तरह का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, तो यहाँ पर X1, Y1 दिया हुआ है, ये 3 है और -9/2 है, तो ये हो जाएगा 3X(a²) - 9Y(b²) = 1, इसको हम मान लेते हैं 1। और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी भी दे चुका है ये लाइन, ये भी टेंजेंट है, ये दिया हुआ है गिवन में, तो गिवन में दिया हुआ है, गिवन में जो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट उसी पॉइंट में ये दिया हुआ है, ये गिवन में एट 3 - 9/2 इज, उसी पॉइंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो X-2Y = 12। अब ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है ना, चलो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो 12 को डिवाइड करेंगे तो देखो X/12 इधर आ जाएगा, मतलब दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया। अब ये देखो ये हो जाएगा X/12 अब -Y/6 = 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी टेंजेंट है और ये भी, दोनों सेम टेंजेंट है,
ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये हमने निकाला, ठीक है ना। ये अगर इलिप्स होगा इस पॉइंट पर तो ये आया, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो हमें क्या मिला देखो। तो ये देखो, ध्यान से देखो, एक्स तो ये 3a² हो जाएगा 1/12 के बराबर, तो 3a² हो गया 1/12 के बराबर। एंड माइनस इसमें भी है, माइनस उसमें भी है, तो 9/b² कितना हो जाएगा 1/6 के बराबर, तो 9/b² हो जाएगा 1/6। अब यहाँ से हम a² और b² निकाल लेते हैं, a और b की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा हमारा 36, तो a बराबर हो गया 6। अब यहाँ से हमारा कितना आ गया, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमने 2 छोड़ दिया, यहाँ पर 2 भी होगा, ठीक है कि ये 9 -9/2 है ना, इसलिए यहाँ पर 2 भी होगा। तो ये अब कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/2b². अब इसको सॉल्व किए तो देखो कितना आ गया, तो सॉल्व किए तो हमारा b² हो गया 9 × 6/2, और ये हो जाएगा 27। तो b² इक्वल टू आ गया 27, तो b है बराबर √27, मतलब 3√3। अब सब आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a, तो 2b² हो गया 27 और ये 6, ये कैंसिल, ये 3, तो आ गया 9। ठीक है, लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 9। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 9। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों, आपका 2019 का यही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स 3x² + 5y² = 32 एट द पॉइंट P(2, 2) मीट द एक्स एक्सिस एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, देन एरिया ऑफ द ट्रेंगल PQR इज। अब देखो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि आपका एक क्या है, इस तरह से आपका एक इलिप्स है, जैसे हमने एक इलिप्स कर बना दिया, समझिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर आपका दो कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो मतलब कि ये आपका हो गया मेजर एक्सिस और ये आपका फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, तो आपका फोकाई ये F1 हो गया, इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, ये तुम्हारा F2 हो गया। अच्छा इसका मिड पॉइंट है ये, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर एक्सिस। ठीक है चलिए हम समझने के लिए ले लिए, ये एक्स है और ये वाई है, और ये आपका एक पॉइंट है, मान लो कि ये तुम्हारा पॉइंट P(2, 2) है। ठीक है, और इस पॉइंट से जो हमारा टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये देखो ये बना, थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लो कि चलो ये बना, ये इस पॉइंट पर ही, ठीक है। तो ये वाई एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, तो हमारा टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को क्यू पर कट कर रहा है। अब यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर, तो मान लो कि हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस को कट किया क्यू पर। अब हमें इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हमारा ये कोऑर्डिनेट P(2, 2) दिया है, इसका मतलब कि ये वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा 2 है, तो परपेंडिकुलर तो हमारा 2 आ गया। अब हमें सॉरी ये क्यू नहीं है, ये आर है, तो अब हमें क्या निकालना होगा, इसका बेस मतलब क्यू आर निकालना होगा। तो बेस तभी निकाल सकते हैं जब क्यू और आर का हमें कोऑर्डिनेट पता हो। तो अब ये कैसे पता करेंगे, इसका मतलब पता करने के लिए हमें टेंजेंट का इक्वेशन, ये आपका टेंजेंट है
जो हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और ये आपका नॉर्मल है, ये हमारा क्या है जी, नॉर्मल है, नॉर्मल है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एक रिलेशन होता है कि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखो टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट हम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं जब हम इसका स्लोप निकाल दें। अब इस पी पॉइंट पर हमें क्या दिया हुआ है, देखो ये इलिप्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो पी पॉइंट पर कितना स्लोप बन रहा है ये अगर पता कर ले, तो हम इस टेंजेंट का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है ना, तो अगर पॉइंट दिया हुआ है इस लाइन टेंजेंट का स्लोप अगर पता चल जाए तो इक्वेशन लिख देंगे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये इस फॉर्म से लिखे एक्स, ये एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ऐसे नहीं। स्लोप निकाल दें, और स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, अब देखो स्लोप निकालना, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो हमारा स्लोप होता है, और किस पॉइंट पर, अब 2.2 पर देखना है तो x इक्वल टू 2 रख देंगे, y इक्वल टू 2 रख देंगे। अब dy वाई अपॉन डी एक्स और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 जो होगा ये क्या आ जाएगा हमारा, ये स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का एट 2.2 पर, ओके। अब यही चीज़ें हमें करना है, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, तो इक्वेशन दिया हुआ है 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 22। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब देखो ये दोनों साइड क्यों, क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है। ये dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये तो हमें मालूम है, टू द कर्व, ठीक है। तो हम दोनों डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो देखो d अपॉन dx 3x² प्लस 5y² इक्वल टू डी 32 अपॉन डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6x, ये हो जाएगा 10y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया 0, ओके। अब हमारा क्या आया देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ये इधर ले जाओगे तो -6x और डिवाइड में 10y। अब हमें किस पर चेक करना है, तो एट पॉइंट पी पर 2.2 पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 2.2 पर, मैंने एक्स इक्वल टू 2 रखें, वाई इक्वल टू 2, तो -6 ये 2 और ये 10 ये 2, ये 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ गया माइनस, हमारा यहाँ पर आ गया -3/5 आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट 2.2 जो हो गया ये स्लोप हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2.2, मतलब हमारा m बराबर कितना हुआ -3/5, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया -3/5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट का, तो लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट ये टेंजेंट का स्लोप ये दिया है और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऐसे लिख देते हैं, पासिंग थ्रू 2.2 एंड विथ स्लोप, एंड विथ स्लोप हमारा कितना हो गया -3/5 इज क्या होता है y - y1 = mx - x1, तो हो जाएगा y - 2 - 3/5 x - 2, ये हमारा हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। और ये टेंजेंट किस पर कट कर रहा है देखो, ये टेंजेंट हमारा q पर कट कर रहा है x एक्सिस में, तो इसका मतलब कि हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, q का कोऑर्डिनेट q में कट कर रहा है। अब देखो q जो है वो कट कर रहा है, इसका मतलब क्या, तो पॉइंट का क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। हम लिख सकते हैं कि सिंस टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, टेंजेंट वाई -2 -3/5 ऐसे या सॉल्व कर सकते हो,
ऐसी सूरत है क्योंकि हमें पॉइंट निकालना है। टू मीट एट क्यू, मीट एट क्यू ऑन एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा क्यू का, तो हम एक्स वाई बराबर जीरो रख देते हैं। तो एक्स एक्सिस का मीट कर रहा है तो ये पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हम वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो देखो ये जीरो माइनस टू माइनस थ्री अपॉन फाइव और एक्स माइनस टू। इसको सॉल्व करते हैं तो इधर माइनस टेन हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, अब प्लस हो जाएगा सिक्स। अब ये कितना आ गया, ये थ्री इधर किए और ये, तो हमारा यहाँ पर क्यू का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा, तो देखो थ्री एक्स इक्वल टू सिक्सटीन, तो एक्स बराबर हो गया सिक्सटीन अपॉन थ्री। तो यहाँ से q आ गया हमारा कितना, तो 16 अपॉन थ्री कॉमा जीरो। अब हम ये q आ गया, अब चलो अब नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं। देखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो कितना हो गया, माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पर लिख सकते, यहाँ पर ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप कितना है, तो टेंजेंट का स्लोप है माइनस थ्री अपॉन फाइव। तो यहाँ पर रख देते हैं ये माइनस थ्री अपॉन फाइव, तो कितना हो गया फाइव अपॉन थ्री। अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, पासिंग थ्रू, मतलब 2,2 से तो पास करेगा, उसी पॉइंट पर तो हमें नॉर्मल निकालना है, तो 2,2 से पास करेगा, तो पासिंग, ठीक है, 2,2 एंड स्लोप, जो स्लोप हमारा कितना है 5/3। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो या उसके वाई माइनस वाई वन इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स वन, तो y1 कितना है 2, ये 5/3 एक्स माइनस टू, और ये भी हमारा कट कर रहा है y एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पर देखो सिंस नॉर्मल, ये नॉर्मल नॉर्मल मिट मिट एट पॉइंट r ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, इसका मतलब वाई इक्वल टू हम जीरो रखेंगे, वाई इक्वल टू जीरो होगा, तो वाई जीरो होगा, तो जीरो माइनस टू फाइव अपॉन थ्री एक्स माइनस टू, ये हो गया माइनस सिक्स, ये फाइव एक्स माइनस टेन। तो देखो फाइव एक्स इक्वल टू कितना हो गया फोर, तो एक्स बराबर कितना हो गया, तो ये फोर अपॉन फाइव। अब देखो इसका भी कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,5/0, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप फिगर, अब ऐसे देखो फिगर ये ड्रॉ किया गया ऐसे, ये आपका एलिप्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस ले लिए, आप समझाए भी थे, सर ये मेजर एक्सिस हो गया, ये आपका माइनर एक्सिस हो गया, और मान लो कि ये तुम्हारा कोई पॉइंट है, ये 2,2, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 2,2। अब यहाँ पर ये आपका देखो टेंजेंट है, सॉरी यहाँ पर ये आपका क्या है टेंजेंट, इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका टेंजेंट है। अब ये मिल रहा है क्या है क्यू पर, ये टेंजेंट है, और यहाँ से हम ये नॉर्मल ड्रॉ किए, देखो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये नॉर्मल हो गया आर, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना है जी, कहाँ गया 16, ये देखो 16/3 और ज़ीरो है, 16/3,0 है, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया अब 4,5/0। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हाइट है,
और ये तो आपका टू मतलब वाई कोऑर्डिनेट, यही तो ये टू है तो वाई, तो वो भी टू आ गया। अब हमें निकालना है ये आर क्यू, चलो निकाल लेते हैं आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 3 माइनस, ठीक है ऐसे स्क्वायर रूट करके या माइनस कर दो, ठीक है कि ओरिजिन से तो 16/3 में से 4/5 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, या निकालोगे तो वही स्क्वायर रूट भी निकालोगे तो वही आएगा, देखो ऐसे डिस्टेंस प्रोडक्ट से ये आपका जीरो, तो कितना आ गया ये 16/3 माइनस 4/5, एलसीएम हो गया 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 68/15 आ जाएगा। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा पी आर क्यू, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस कितना है जी हमारा 16/15, बेस हमारा आर क्यू हो गया, अब ये 2 कैंसिल, हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 68/15, ये आपका आंसर होगा 68/15, तो 68/15 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2015 का पूछा हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया इन ए स्क्वायर यूनिट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लेटरल रेक्टम ऑफ, ये इलिप्स दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलिप्स, जो इलिप्स है तो इलिप्स के जो लेटरल रेक्टम का एंड पॉइंट है उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है और उससे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। जैसे ये समझिए ये आपका क्या है जी इलिप्स है, ठीक है ये आपका मेजर एक्सिस और ये आपका माइनर एक्सिस, ठीक है आपका माइनर एक्सिस। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक फोकाई है F1 और यहाँ पर भी आपका एक फोकाई है F2, अब यहाँ पर लेटस लेक्टम ये हो गया, ठीक है अब इसका एंड पॉइंट ये हो गया, ये हो गया और दूसरे इधर लेटेक्स रेक्टम ये हो गया, अब इसका एंड पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड पॉइंट का, तो देखो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये दूरी कितना होता है C और ये दूरी BC और ये ओरिजिन, और इसका पूरा लेंथ कितना होता है 2b² / a, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा b² / a, इसका मतलब ये दूरी कितना हो जाएगा b² / a, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया तो c, b² / a, ये। अब इससे जो हम बनाएंगे देखो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए, ये देखो इसी तरह से सभी इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे चलिए ऐसे ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, अब इस तरह से क्वाड्रिलेटर बनेगा, देखो इस पॉइंट पर भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ऐसे इस पॉइंट पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो अब इससे बनने वाला क्वाड्रिलेटर का हमें एरिया निकालना है, तो एक का एरिया निकाल लो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब हमें सबका नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये साइमेट्रिक नेचर का है, तो साइमेट्रिक नेचर का है तो चलिए हम इसका निकाल, इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ए ओ बी का एरिया निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि है तो साइमेट्रिक नेचर का। ओके अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें ये पूरा बेस चाहिए और ये हमें हाइट चाहिए तभी निकलेगा, अच्छा उसके लिए तो हमें ये कोऑर्डिनेट और ये पता करना पड़ेगा, अब इसके लिए हमें इस ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो हमें तो ये पॉइंट पता चल गया है कि कहाँ से ड्रॉ किया गया है c, b² / a, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इंड ऑफ ए लेटस रेक्टम हमने निकाल लिया, और इसकी कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हो जाएगा -c - b² / a, तभी तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² / a, ओके तो
चलिए अब एक का निकाल लेते हैं, ये पहले हमें सी निकालना होगा, ये कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसके हिसाब से। तो क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए स्क्वायर हो गया 9 तो ए बराबर 3, और बी स्क्वायर हो गया 5 तो बी बराबर रूट 5। अब सी निकाल लेते हैं, तो देखो ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ठीक है ये हमारा। चलिए सी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से देखो ये 9 माइनस 5 ये हो गया 4, तो सी बराबर हो गया 2, सी हमारा 2 आ गया। ओके अब बी स्क्वायर अपॉन ए निकाल लेते हैं, क्योंकि ये देखो ये कोऑर्डिनेट चाहिए ना, इसलिए बी स्क्वायर अपॉन 2 निकाल लेते हैं। अब यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए कितना होगा, बी स्क्वायर हमारा है 5 और ए बराबर है 3, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 हमारा 5 अपॉन 3 है। अब देखो एंड पॉइंट ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये सी कितना हो जाएगा तो 2, और ये कितना हो जाएगा तो 5 अपॉन 3। अब इस पॉइंट से हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख लेते हैं। चलिए टेंजेंट हम लिख लेते हैं, तो देखिए टेंजेंट एट कहाँ कहाँ, तो किस पॉइंट से जी, तो ये इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो टेंजेंट एट 2, 5 अपॉन 3 इज कितना होगा, इक्वेशन होता है एक्स ए स्क्वायर, यही इक्वेशन होता है वाई वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर कितना है 9, और ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। अब बी स्क्वायर कितना है जी, बी स्क्वायर है 5, तो हमारा आ गया 2x अपॉन 9 प्लस 5y अपॉन 15 इक्वल टू 1। ओके बच्चों अब ये देखिए हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब ये टेंजेंट कट कहाँ कर रहा है, x एक्सिस पर भी कट कर रहा है, y एक्सिस पर भी कट कर रहा है, तो x एक्सिस कट करने के लिए हम क्या रखेंगे, y इक्वल टू 0, तो पॉइंट B मिल जाएगा, और y एक्सिस के कट करने के लिए क्या रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम फिर से समझने के लिए यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये आपका टेंजेंट हुआ, और ये आपका मेजर एक्सिस, ये आपका माइनर एक्सिस, यहाँ पर हमारा ये जो लेटेस्ट रेक्टम है ये आपका फोकस, तो ये आपका लेटेस्ट रेक्टम का ये कोई एंड पॉइंट, ठीक है सॉरी, तो ये हमने ले लिया ऐसे समझने के लिए, ये ले लिया चलो, और ये आपका ये ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है 2, 5/3। अब ये इक्वेशन हमारा मिल गया कितना, तो 2x अपॉन 9 प्लस 5y अपॉन 15 इक्वल टू 0। अब हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है, तो जैसे हम इसको b मान लिए, इसको हम a मान लिए, ये ऊपर माने हैं ना a और b, हाँ, तो ये आपका टेंजेंट है। तो चलिए b पॉइंट के लिए हम क्या रखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा x1 कॉमा g1, तो y यहाँ पर g1 0 रखना पड़ेगा, तो चलिए y हम 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2x अपॉन 9 इक्वल टू 0 बराबर 1, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो x बराबर यहाँ से अगर बात करें तो हमारा x बराबर हो जाएगा, ये 0 तो हट गया, तो x बराबर हो गया 9/2, तो ये कोऑर्डिनेट b कितना हो गया, तो 9 देखो 9/2 अ कॉमा 0 कहाँ से, तो यहाँ से, ठीक है यहाँ से ये सॉल्व किया गया यहाँ से। अब हमें निकालना है ये पॉइंट, देखना ध्यान से, तो ये पॉइंट में x क्या हो जाएगा 0, तो हम रख लेते हैं अब x बराबर 0, तो यहाँ से हमें तो पॉइंट B मिल गया 9, 2 और 0। अब हम x इक्वल टू 0 रखें तो इस इक्वेशन में कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 15 इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमारा y बराबर कितना आ गया, ये 15/5 मतलब 3, तो पॉइंट A कितना आ गया 0/3। चलिए अब निकल गया,
देखो ये दूरी हमारा कितना हो गया 9/2, और ये दूरी कितना हो गया 3। तो एरिया हम निकाल लेते, ठीक है। तो अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी 1/2, अब हो जाएगा 3 × 9/2, ये ना बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये एरिया आ गया। अब हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है, किसका निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, एरिया या रिक्वायर्ड एरिया लिख लो। तो द रिक्वायर्ड एरिया, अब ये ध्यान दो, ये इस तरह से ये चार बनेगा, चारों साइमेट्रिक होगा, तो चार से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 27। तो 27 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 27, ये हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन इलिप्स विथ सेंटर एट ओरिजिन, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 10, वन ऑफ द फोकाई इज एट, ये दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेक्टम बताना है। मतलब कि हमारा सेंटर क्या है जी, ओरिजिन है, और मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ का डिफरेंस 10 दिया हुआ है, ठीक है, और 1 फोकाई दिया हुआ है यहाँ पर। देखो ये 1 फोकाई 0.5√3, तो फोकाई मतलब एक फोकस हमारा क्या दिया है, 0.5√3, मतलब फोकस हमारा किस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा वाई, क्योंकि ये इलिप्स इस तरह का बनेगा, इस तरह का, सॉरी सर्कल बन गया, ये हमारा इलिप्स ऐसे बना हुआ है ऐसे जी। अब ये हमारा हो गया, हमारा मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस हमारा क्या हो गया, मेजर एक्सिस, समझ में आया, मेजर एक्सिस हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, और माइनर एक्सिस क्योंकि फोकाई यहाँ पर ऐसे लाई कर रहा है, और माइनर एक्सिस हमारा ये हो गया। ओके, तो मेजर एक्सिस हो गया वाई एक्सिस ये, और ये आपका फोकाई ऐसे है, ठीक है। तभी तो एक दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 0.5√3, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ, मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो यहाँ पर हमारा मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे 2a ही लिखेंगे, -2b, क्योंकि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट केवल चेंज करते हैं, ये 0.a और यहाँ पर हो गया 2.0, ठीक है। तो ये हमारा 10 दिया है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो a - b कितना आ गया, 5। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। 1 फोकाई कितना दिया हुआ है, तो फोकाई ये दिया हुआ है, इसका मतलब c बराबर कितना हो जाएगा, 5√3, ठीक है। अब देखिए, तो a² बराबर होता है b² + c², यहाँ से हम c² बराबर लिख सकते हैं a² - b², c का वैल्यू कितना दिया है, 5√3² ये a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a - b × a+b, ये हो गया हमारा 75, और ये हो गया 5a+b कैंसिल, तो ये 15, तो हमारा देखो कितना आ गया, a+b = आ गया 15। इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 को एक बार ऐड कर देते, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 कर दिए तो हमें कितना आ गया, a - b, ये हो गया 5, और a+b हो गया 15, ये कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर हो गया 20, तो a बराबर हो गया 10। तो a जब हमारा 10 हो गया तो बी कितना हो गया, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से कितना है, तो a + b = 15 है, यहाँ पर ये 10 + b = 15 है, तो b बराबर कितना हो गया, 5। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, वही होगा, ठीक है ना, हम केवल देखो, द लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम द टू बी स्क्वायर अपॉन ए, द टू बी स्क्वायर, बी कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर, ए कितना है 10, ये कैंसिल, एक कट गया तो ये कितना आ गया 5। इसका आंसर कितना है? मतलब हमारा 5 यूनिट आया, कितना आया जी 5 यूनिट, एक कट गया था 5 बचा है ना, तो 5 यूनिट बचा आया, इसका आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए जो हमारा 19 में पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि लेट द लेंथ ऑफ ए लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स विथ इट्स मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन बी 8। 8 हमारा दिया है लेंथ ऑफ ए लेटेस्ट रेक्टम, इलिप्स का सेंटर ओरिजिन में है और मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग है। आगे बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ दिस इलिप्स, दोनों फोकाई के बीच की जो दूरी है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए इट्स माइनर एक्सिस। अब हमारा देखो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, सेंटर क्या है ओरिजिन है और मेजर एक्सिस जो है एक्स के अलोंग है, मतलब हमारा जो इलिप्स है इस तरह का है, ये हमारा सेंटर और ये आपका दो फोकाई, तो इसका मेजर एक्सिस जो है एक्स के अलोंग है, देखो ये एक्स के अलोंग है, ठीक है, तो ये हमारा, ये आपका, ये एक दो फोकाई और इसका बीच का ये सेंटर, ये हमारा एफ वन हो गया, ये हमारा एफ टू हो गया, ये आपका क्या है जी माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस और ये सेंटर ओरिजिन है, सेंटर क्या है ओरिजिन है। अब यहाँ से ये दूरी सेंटर से फोकाई का बीच की दूरी सी होता है, यहाँ भी कितना हो जाएगा सी। अब दोनों फोकाई का दूरी कितना हो गया, अगर मान लो कि एफ वन और एफ टू की बात करें तो ये होता है टू सी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं टू ए ई बी, क्योंकि ई बराबर इंटेंसिटी सी अपॉन ए होता है, तो सी बराबर हो गया ए ई, तो टू सी लिखो या टू ए ई लिखो बात एक ही है, तो दोनों फोकाई का बीच ये हो गया। अच्छा आगे देखिए, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये तो मालूम है कि ये कोऑर्डिनेट कितना होता है, ए कॉमा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो कॉमा बी उसके अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए लेटेस्ट रेक्टम कितना है 8 है, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम का रेंट कितना हो जाएगा, तो देखो बी ए स्क्वायर अपॉन टू ए इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से सॉरी उल्टा लिख दे, टू बी ए स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 8 है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है टू बी ए स्क्वायर अपॉन ए, अब देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो बी ए स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ से बी ए स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से बी ए स्क्वायर आ गया 4 ए आया, एक इक्वेशन वन रख देते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ दिस इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो फोकाई का बीच की दूरी तो 2c, मतलब हम लिख सकते हैं एफ वन और एफ टू जो है माइनर एक्सिस के बराबर है, तो माइनर एक्सिस का लेंथ हो गया 2b, क्योंकि देखो y के अलोंग है तो 2b, अब ये होता है 2c, मतलब कि एफ वन और एफ टू के बीच की दूरी होता है 2c, या ये भी लिख सकते हो दोनों की चीज़ है, और यहाँ पर 2b, अब ये कैंसिल हो गया, मतलब c किसके बराबर है b, या b किसके बराबर है c, तो ये दूसरा डिसीजन हो गया। हमें ए और बी निकालना होगा, इलिप्स का इक्वेशन निकालना होगा, तब ना पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। अब इस इलिप्स का इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना, इसके लिए हमें ए और बी चाहिए, तो हमें दो रिलेशन आ गया, बी ए स्क्वायर इक्वल टू 4a और b इक्वल टू c। अब हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ओके, यहाँ पर b c के बराबर है, तो हम c को क्या लिख सकते हैं, तो c को हम लिख दिए b के बराबर, ये भी b स्क्वायर, क्यों, क्योंकि b जो है c के बराबर है, तो कितना आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, अब b स्क्वायर कितना है 4a, यहाँ से देखो, अब देखो b स्क्वायर बराबर 4ab है, तो रख देते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4a, तो देखो a बराबर कितना हो गया 8, a कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर 8, इसको ऐसे सॉल्व,
कर दो, ऐसे a बराबर माइनस एट ए इक्वल टू जीरो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो a बराबर a माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो a बराबर जीरो और a माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो a बराबर एट, तो a बराबर तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो a बराबर एट यहाँ से आ गया, a बराबर एट। तो b, तो बी स्क्वायर कित, बी तो यहाँ से है बी स्क्वायर बराबर, तो हमारा ये a बराबर जीरो नहीं होगा, a बराबर एट होगा, तो a बराबर हमारा एट आया। अब बी स्क्वायर बराबर होता है फोर ए, तो यहाँ से फोर इंटू एट हो गया बत्तीस, तो b बराबर कितना आ गया अंडर रूट बत्तीस, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट थर्टी टू, तो सोलह दुनी का बत्तीस, तो फोर रूट टू, तो b बराबर हमारा आ गया फोर रूट टू, तो a और b का वैल्यू हमारा आ गया। ठीक है, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इलिप्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या है एक से, तो ये हो जाएगा, अब रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एट का स्क्वायर, तो हो जाएगा 64 और ये बी स्क्वायर हमारा 32 इक्वल टू वन, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट्स जो है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट इलिप्स पर होगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा ट्रू करेगा, तो चेक कर लो एक्स की जगह पर रख के देखो, ये पहला वाला तो कितना होगा फोर रूट थ्री रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम चेक करते हैं तो ये कितना होगा, एक्स की जगह रखेंगे तो 16 और 3 हो जाएगा 64 और वाई की जगह हम रखते हैं क्या, तो टू रूट थ्री, अगर टू रूट देते हैं वाई की जगह तो कितना हो जाएगा 8 और 3 और ये 32, तो ये हो गया चलो चौका 64 है और ये हो जाएगा 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा 3 अपन 4 और 3 अपन तो हुआ 6/4, ये तो आया ही नहीं वन के बराबर, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, अगर ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ये नहीं हुआ, फोर रूट थ्री और टू रूट टू रखते हैं, फोर रूट थ्री यहाँ पर रखते हैं तो 16 ये हो गया और टू रूट टू हो जाएगा 4 इंटू टू और 32, तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 8, तो ये कितना हो गया 3/4, ये 1/4, ये आ गया 1, मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब कि अब कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा जी, ऑप्शन बी, ये पॉइंट जो है इस इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी।